भाई साहब, ये वही जेल है जो हमने बुक में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने काला पानी का सजा दिया था इंडियन को। काला पानी का सजा यही अंडमान में मिला था। अभी हम जा रहे हैं वीर सावरकर की जो कोठरी थी सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसा है। अच्छा, इसको ये बंद करके लॉक यहाँ से होता था। वंदे मातरम वीर सावरकर, 30 जून 1991 के दिन ये अंडमान में लगाए गए थे। अभी भी जोत जल रहा है देखो। तो भाई लोग, चेकिंग हो गई है होटल में, और अभी जो हमने प्लान बनाया है आज का, वो तीन जगह हमने घूमने जाना है। सबसे पहले हमें सेलुलर जेल जाना है, सेलुलर जेल के बाद फिर हम जाएंगे बीच पे, जो छोटा ही डिस्टेंस है पूरा कवर हो जाएगा वो। और अभी जो टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, यहाँ से फिर पेट्रोल डलवाऊंगा, पेट्रोल से फिर वापस करके पेट्रोल लेकर फिर हम जाएंगे दोबारा सेलुलर जेल, जो शाम का जो इवेंट है वहाँ पे शो होता है वो देखने जाएंगे, जो 7:50 का टाइम है, लास्ट शो हमें मिला है बिकॉज लास्ट मिनट में हमने बुकिंग की थी, तो वो देखते हैं कितने बजे का पहुँचेंगे वहाँ पे। तो भाई लोग, अभी यहाँ से 3.5 किलोमीटर है जो जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ से सेलुलर जेल 3.5 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट 9 to 10 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। वहाँ से फिर उसके बाद हम जाकर पेट्रोल पंप पे उसका पेट्रोल लेंगे, बिकॉज होता क्या है कि जब आप स्कूटी हायर करते हो तो 1/2 लीटर तो उसमें मिलेगा ही, और जो स्कूटी का चार्ज है पर डे का जो है वो 500 रुपीज़ है, और ये 24 घंटे के हिसाब से जिस टाइम आप ले रहे हो उसी टाइम आपको छोड़ना होगा। जो गूगल मैप है ना उस पर स्पीकर का एक वो, इधर जाना है, कहाँ जाना है सर? सेलुलर जेल किधर है? अच्छा, वहाँ आगे इस तरह का पॉइंट ही है, वहाँ से राइट लेके सीधा जैसे जैसे चला गया उस तरह चले गया, आगे डाउट होने से पूछ। ओके, थैंक यू। तो भाई लोग, यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना कुछ खास नहीं है, तो बेटर है कि यहाँ पे स्कूटी करो, अगर दो लोग हो तो स्कूटी करो, सबसे बेस्ट है। 500 रुपीज़ पर डे का, और 100-150 रुपये का पेट्रोल डलाओ और पूरे दिन घूमो, नहीं तो बस के चक्कर में रहोगे भाई साहब, मिल नहीं पाएगी और ऑटो भी महंगा पड़ेगा। तो भाई लोग पहुँच गए, हार्डली 8 या 10 मिनट लगे यहाँ सेलुलर जेल पहुँचने में, और अब ढूंढना पड़ेगा यार यहाँ पार्किंग। ये टिकट काउंटर तो सामने है, ये देखो जहाँ से ये लड़की निकल रही है टोपी वाली, ये टिकट काउंटर यहाँ पे। अब ये देखना पड़ेगा स्कूटी कहाँ लगाऊँ मैं, पूछता हूँ ये अंकल चचा से पूछता हूँ। भैया पार्किंग कहाँ पे है भैया? पार्किंग स्कूटी कहाँ लगाएं पार्किंग यहाँ पे? पार्किंग इधर कहीं दूर है क्या? अच्छा, चलो एक बार देखते हैं और थोड़ा निरीक्षण किया जाए। ये है सेलुलर जेल, अभी यहीं इसके अंदर ही जाना है, पहले एक बार पार्किंग का जुगाड़ देखा जाए, पार्किंग कहाँ लगानी है। सबसे बड़ा टेंशन तो यही होता है पार्किंग, पार्किंग स्कूटी तो यहाँ बहुत सारी है भैया। पार्किंग, पार्किंग है, नीचे जाइए। अच्छा, नीचे जाके राइट लेन से नीचे में पार्किंग है। दूर है क्या? दूर है? दूर नहीं है। अच्छा, याद है काम है आगे, जो लेफ्ट में देखो पार्किंग का स्पेस है, डाल दो चुपचाप। थैंक यू भैया, चुपचाप वाला काम होता है यहाँ पे, डाल दो जहाँ जगह मिले वहाँ डाल दो। चलो भाई, पार्किंग मिल गई। अभी हम यहाँ गए थे और यहाँ पे एक छोटी सी गली थी, तो बस यहीं पे गाड़ी टपका दी है यहाँ पे। यार टेंशन गाड़ी की होती है, 500 रुपये लिया है एक दिन का, चोरी और हो गया फालतू का 80,000-90,000 का फटकार लग जाएगा, जितने का बाबा नहीं उतना झुंझुना हो जाएगा फिर। 300 वाली टिकट हमने ले ली है, जो लाइट एंड साउंड वाला है, 7:30 वाला, उस लास्ट टाइम है, उससे पहले वाला सारा ख़त्म हो गया था, तो ये तो एंट्री है, पहले टिकट लेनी होगी। अब 30 रुपीज़ का टिकट लेंगे, जो अभी आप पूरा अंदर जा सकते हो और देख सकते हो, आराम से 1-1.5 घंटे घूमो, और उसके बाद आपको 5 बजे खाली करना पड़ेगा, ताकि 5:30 से एंट्री होगी लाइट वाली। ये भाई साहब 30 रुपीज़ लिखा हुआ, ये देखो 30 रुपीज़ इधर, और अगर प्रोफेशनल कैमरा लाते हो तो 200 रुपये, अदरवाइज़ बड़ा वाला जो प्रोफेशनल 1,000 रुपये और नॉन प्रोफेशनल 200 रुपये, तो मैंने घर पर ही छोड़ दिया, क्यों लाना है। टिकट काउंटर भाई बहुत रश लग रहा है। सर 2 टिकट 60 10 रुपीज़ चेंज, थैंक यू। चलो भाई टिकट ले लिए, 5 बजे यहाँ भी लिखा है कि 5 बजे खाली कर देना भाई साहब, कुछ भी हो जाए। अब चलते हैं जेल, किसी को जेल जाने का शौक़ नहीं होता है, लेकिन चलो आज घूमने के लिए जेल जा रहे हैं। वो भी बताओ, टिकट लेके जेल जा रहे हैं, सेलुलर जेल। सब लोग गाइड के साथ जाएंगे सर? नहीं, आधा घंटा। सुनो इधर आओ, गिनो इसका चार्ज पड़ता है, ऑप्शन पड़ता है, गाइड का जरूरत पड़ेगा। 200 रुपये का चार्ज होता है, 45 का एक्सप्लेनेशन होता है। 200 रुपये पर पर्सन या दोनों को मिलाकर? अच्छा,
वंदे मातरम वीर सावरकर, 30 जून 1991 के दिन ये अंडमान में लगाए गए थे। अभी भी जोत जल रहा है, देखो जोत जल रहा है भाई साहब। ये वही जेल है जो हमने बुक में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने काला पानी का सजा दिया था इंडियन को, काला पानी का सजा यही अंडमान में मिला था। और यहाँ पे ऐसा था कि मतलब खाना तो मिलता ही नहीं था, भूखे वैसे मर जाते थे या फिर इनको वैसे ही फांसी पे लटका देते, इतने गंदे सजा यहाँ पे देते थे। और अगर आप कोने पे देख सकते हो तो सायरन भी लगा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा रिनोवेट इन्होंने किया है, साफ़ सुथरा किया हुआ है। ये देखो ये सारे जेल के ऊपर से ये सारे हैं। चलो भाई साहब आपको नमूना दिखाते हैं, लोग कहते हैं ना नमूना दिखाने का, आपको सेलुलर जेल का नमूना दिखाते हैं। नमूना है इसका पूरा, पूरे एरिया का छोटे में कवर किया हुआ है। अब ये देखो भाई साहब ये जितने भी बने हुए हैं खम्भे ये सारे वैसे ही हैं, सारे बिल्डिंग्स हैं और बीच में इसका जो मेन सेंटर था जहाँ पे सारे हेड्स बैठते थे। ये देखो आप वीर सावरकर का जो कोठरी था ना यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, यहाँ इधर ऊपर जाकर है, वो भी देखेंगे आपको सारा कुछ बताएंगे इसमें। देखो आई थिंक खाना वाना देने का शायद, अच्छा ये खाना देने का है। फिर ये क्या है, अच्छा अच्छा ओके अच्छा, इसको ये बंद करके लॉक यहाँ से होता था, अब समझ आया कुछ ना। सही बात है, तो यहाँ सही में यार यहाँ से खाना आता था और इसको ये लॉक करके यहाँ से सिर्फ कंडी मारते थे और वहाँ दूसरी साइड से ताला मारते थे कि भाई कोई खोल भी ना पाए। ये देखो फोटो रखा हुआ है और ये लोहे की इतनी बड़ी जंजीर बनी हुई है, सब कुछ सोना होना सब कुछ यहीं पे। ये पूरी लाइन देख रहे हो वैसी है, पूरी लंबी लाइन वैसी पूरी जेल की है। अभी हम जा रहे हैं वीर सावरकर की जो कोठरी थी सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसा है, बिकॉज नीचे जितने भी छोटे छोटे से बने हुए थे सारा सेम था, प्रोसेस सेम था, जो मेन दरवाज़ा था वो अलग था, कुंडी अलग से लगी हुई थी, नीचे सारे वैसे ही। एक बार ऊपर जाकर देखते हैं कैसा है। तो अगर आप ऊपर भी देखोगे ना, ऊपर भी सारा सेम वही है, यहाँ भी वैसे ही है, दरवाज़ा यहाँ पे है और कुंडी उसकी यहाँ पे है, सेम वही प्रोसेस है और खाना यहाँ से आता था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी टोटल 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह से इन्होंने बनाया है सब सेम ही है। अब हो सकता है इन्होंने ब्लॉक में डिवाइड किया हो, किसी का ब्लॉक ए बी सी या फिर 1 2 3 करके होता हो, बट सब कुछ सेम है यहाँ पे। कोई भी फ्लोर पे चले जाओ तो आई थिंक आप ग्राउंड फ्लोर पे देखो या फर्स्ट फ्लोर पे देखो, सब कुछ सेम मिलना है, डिफरेंस कुछ भी नहीं। तो वीर सावरकर की जो कोठरी थी वो भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो बस एक बार मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ यहाँ का। ये जो जेल बनना शुरू हुआ था 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में कंप्लीट हुआ था, ऑलमोस्ट पूरे 10 साल लग गए थे इसको बनने में। और इसमें टोटल जितनी कोठरियाँ हैं जो जेल है वो 696 जेल है इसके अंदर। और इसको क्यों काला पानी की सजा बोलते हैं, इसमें यह था कि काला पानी इसको इसलिए बोला जाता है कि काला जो है वो संस्कृत शब्द से आया है काल, इसका मतलब एक बार जो यहाँ पे आ गए वो वापस कभी जाएंगे नहीं लाइफ में, मतलब कि इनकी मृत्यु यहीं पे है। तो इसलिए लोग काला पानी की सजा के नाम से ही डरते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे कोई एक वर्ड किया गया है, यहाँ पे यह है कि अगर काला पानी की सजा दी गई है इसका मतलब आपकी मृत्यु तय है। और ये इसलिए बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा क्योंकि जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे उनको यहाँ पे लाया जाता था, और करीब 700 स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ पे लाया गया था और इनको यहाँ पे जेल में डाला गया था। अंडमान इन ओल्डन डेज, अंडमान के पुराने दिनों की दीर्घा। आ जाओ एक बार देखते हैं इसमें क्या है। गुरुद्वारा पोर्ट ब्लेयर 1940 जापानी सेना के अधिकारियों के साथ, अच्छा 1943 में जापान ने ब्रिटिश से छीन लिया था, बट 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो दोबारा ब्रिटिश के हाथ में आ गया था ये। मतलब भाई जापान ने भी ब्रिटिश के हाथ छीन लिया था, बट ये कि वर्ल्ड वार हुआ सेकेंड,
तो दोबारा वापस आ गया ब्रिटिश के हाथ में। देखो जो हमें अभी तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं बिकॉज अभी हमें दो जगह और जाना है। इवनिंग में यहीं पे लाइट शो होगा, ये सारे देख रहे हो सारे बिम यहीं पे रखे हुए हैं और यहीं से लाइट शो होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये जो एक दिखा रहा है कि भाई किस तरह से सजा दे देते, मतलब ये डायरेक्टली मौत देती नहीं थी, इतना परेशान करते थे कि लोग कहते थे कि भाई डायरेक्टली मौत ही दे दो, हमें सजा ही नहीं चाहिए। ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ऐसे इसको एक स्कल्पचर में बना के दिखा रहा है, इस तरह खड़े रखते थे ये। और यहीं पे इवनिंग में देखना नाइट में लाइट शो होगा जहाँ पे बैठना है। यहाँ का टिकट हमने बुक कर लिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ से बुक होगा। ये राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन मोरारजी देसाई के उसमें हुआ था 1979 में। ये हेलमेट है जापानी सोल्जर द्वारा यूज किया गया था 1942-45 में जापान ने ब्रिटिश से ये छीन लिया था और फिर 45 की जो वर्ल्ड वार टू हुई थी तो ब्रिटिश को दोबारा वापस मिल गया था। उस टाइम की लड़ाई है 1942-45। अब चलते हैं नवल म्यूजियम जो कि मिलिट्री का है और यहाँ से जो है 10 मिनट्स लगेंगे और यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो भी है सब कुछ यहाँ पास में ही है, तो स्कूटी अपनी है ही, उठाना है बस निकल पड़ना है। अभी देखना है कि पेट्रोल कहाँ पर डलवाना है, उसका टेंशन है अभी मुझे। और जब एग्जिट करोगे ना तो यहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो, पर आपकी मर्जी। चलो भाई लोग पहुंच गए हम नवल मरीन म्यूजियम समुद्रिका। चलो भाई सब गेट खोलो भाई, गेट गेट गेट, अरे 100 रुपये चार्ज नहीं। और ये किधर, मैंने गाड़ी अंदर ही घुसा दी, ओपन लिखा हुआ था भाई साहब गाड़ी घुसा दी है, हमें क्या पता कि बाहर लगानी है, इस साइड लगाना है। मैं लेकर ही सीधा अंदर चला गया, साला एयरफोर्स वाले डंडा मारेंगे ना कि हद है यार, मैं भी बंद हो जा भाई। हाँ बंद हो गया, अब फटाफट इसको वो करें। इसमें यह कि अगर आपके पास वैलिड आईडी कार्ड है, आर्म फोर्स में हो, ESM हो, डिपेंडेंट हो तो 20 रुपये, और बच्चे आर्म के ही हैं तो 10 रुपये। तो आर्मी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है यहाँ पे। और डूज एंड डोंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, टिकट काउंटर विल क्लोज 12:30, लास्ट टिकट कलेक्शन 4:30। ये ब्लू वेल का स्कल्पचर, ये ब्लू वेल का बना हुआ है देखो, और ये ट्राइबल्स के जरावा। यहाँ पे ट्राइबल, ये ट्राइबल बोट है, इन्होंने कभी पहले यूज़ किया होगा वो यहाँ पे रखा हुआ है, और ट्राइबल के सारा कुछ आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपको स्टडी करना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये सब चीज़ें देखने के लिए और समझने के लिए। अब चलते हैं कोरल रूम में, कोरल रूम। हाँ चलो भाई, यहाँ पे AC है, यहाँ थोड़ा दिल रहते हैं। कोरल डाइवर्सिटी ऑफ अंडमान, जो हम समुंदर के अंदर देखते हैं ना छोटे छोटे पौधे और ये सब चीज़ें, वो सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ऑर्गन पाइप कोरल, नेवी इन एक्शन एट सी, ये समुंदर का सारा कुछ दिखा रखा है कि इन्होंने कभी भी कभी किया होगा, फाइट हो रही होगी किसी कंट्री के साथ, ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये अंडमान का 1925 में हुआ था, SS महाराजा बोट बाई विच द करेंस केम टू दी अंडमान इन 1925। यहाँ पे आपको वही शंख देखने को मिलेंगे जो हमने छोटे छोटे शंख देखे, यहाँ पे बड़े बड़े शंख देखने मिलेंगे। ये देखो भाई सब इतने बड़े शंख, अब दिखाते हैं इससे भी बड़ा, ये इतना बड़ा शंख। और ये रियल मैस है, नहीं कि इन्होंने कुछ बनाया है, बट एक्चुअल में इनको सी के अंदर से ये मिली है। तो भाई लोग हम पहुंचे कॉर्बिन कोव बीच, जो पोर्ट ब्लेयर का सबसे फेमस बीच है। अभी जो टाइम हो रहा है अभी शाम के 5 बज रहे हैं, सनसेट भी हो चुका है, वहाँ से देखोगे तो वहाँ से सनसेट हुआ होगा। अभी जस्ट हम पहुँचे यहाँ पे, क्राउड है यार यहाँ पे।
भाई लोग अगर कोई एक्टिविटी करनी है ना तो कायाकिंग जो है ये रजिस्टर्ड है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ ये कराता है। टाइमिंग इसकी जो है मॉर्निंग 5:30 से इवनिंग 5, और सनराइज़ जो है 5:30 होता है, तो उस टाइम आके देख सकते हो आप।